हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम पार्टी। वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पर्टिकुलर वीडियो ना यार काफी डिमांडेड है, क्योंकि आप लोगों में से कई बच्चे कह रहे थे कि भैया आप फेस टू फेस स्कैम वीडियो में आके हमें एक्सप्लेन करिए। तो आज मैं यार एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस कीवर्ड्स लेके आया हूँ आपके लिए, चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। मैंने 2 दिन पहले वोटिंग कराई थी यार, उसमें काफी लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन आंसर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांगे थे। तो यार ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए रेडी है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं, हमें लर्न हो जाएगा, इतने अच्छे से हम एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर को। तो यार वीडियो के लास्ट तक बने रहना, तुम्हें डेफिनेटली मजा आएगा। और अगर ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं तुम्हारे, तो ये वीडियो जरूर देखो, क्योंकि यार इस वीडियो से ना काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए विजिटर हमारे चैनल पे यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ना सबसे पहले तुम तक, जी हाँ तुम तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके 3 पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं, 3 पार्ट्स में पूरा चैप्टर कवर हो गया है। उन तीनों पार्ट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सिंपली क्लिक करके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है धातु और नॉन मेटल्स, दैट मींस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो है एटम की। अब एटम क्या होता है, एटम व्हाट इज एटम, एटम होता क्या है। अभी मैंने आपको एक दिन पहले बताया था सेल, सेल क्या होता है, सेल ह्यूमन बींग का जो पूरा शरीर है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, कौन से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है, सेल से बना है। वैसे ही कोई नॉन लिविंग थिंग होता है, जैसे हमारा ये कैमरा हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये किसी ना किसी स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है, उसी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम कहते हैं। समझ में आया, उसकी डिफिनीशन यही है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, किसी भी चीज की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम एटम कहते हैं। दैट रिटेन्स ऑल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एटम वो चीजें होती हैं जो जिस भी मटेरियल का वो एटम है उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एटम नॉन मेटल्स का है तो वो नॉन मेटल्स जैसा होगा, कोई एटम अगर मेटल जैसा है तो वो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे वो जो एटम है वो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करेगा तो वो लस्टरस हो सकता है, चमकदार होगा, वो कड़ा होगा। तो यहां पर सिंपली यही बताया गया है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और एटम अपने मटेरियल की पूरी प्रॉपर्टी शो करता है। अगर वो नॉन मेटल का मटेरियल है तो वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर वो मेटल का एटम है तो वो मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा। नाउ आवर सेकंड डेफिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन सीड्स इज नोन एज मैलियबिलिटी। मैलियबिलिटी का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एक बात बता दूं, मैलियबिलिटी केवल मेटल्स के अंदर होती है। That means कि वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिस प्रॉपर्टी से हम मेटल्स को थिन सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का आपने कभी शीट देखा है, आप कभी एग रोल खा रहे हो या वेज पराठा खा रहे हो, तो आप देखते हो कि एल्यूमिनियम एक चमकदार फॉइल लगा होता है, वो फॉइल एल्यूमिनियम का होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की मदद से हम उसे थिन सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम मैलियबिलिटी कहते हैं। यहां पर सीधा सीधा लिखा गया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन सीड्स। नाउ आवर थर्ड डेफिनेशन इज डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी, डक्टिलिटी होता क्या है। मैं एक भाषा में कहूं तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की मदद से हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, That is known as ductility. यहां पर सीधा सीधा लिखा गया है कि the property of metal, धातु, metals की वो property which it can be drawn into wires. आप जानते हो ज्यादातर metals को हम wires में convert कर सकते हैं, जैसे copper, तांबा हो गया हमारा, ये क्या है, ये metal ही है ना, लेकिन तांबे के तार भी तो होते हैं ना। आयरन हो गया हमारा, लोहा, लोहे के भी तार होते हैं। तो ये आमतौर पे जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। तो ऊपर दोनों की डिफिनेशन आपको समझ में आई, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की। देखो यार मेरा पर्पस ये है कि आपको चीजें समझ में आए,
आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको रटना है तो, चीजें समझना है तो मेरी वॉइस मुझे देखो, ठीक है। सोनरस, सोनरस क्या होता है? मेटल्स आर सेड टू बी सोनरस एज दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। अब देखो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी, आप जानते हो घंटा, मंदिर में घंटा होता है, बजा सकते हो आप। अब देखो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी से वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे उसी को हम सोनोरसिटी कहते हैं। दैट मींस कि जितने मेटल्स होते हैं, आप लोहे हैं, लोहा से लोहे को टकरा के देखो बसता है कि नहीं बसता, आप कॉपर को लोहे से टकरा के देखो बसता है कि नहीं बसता, तो यही जो प्रॉपर्टी है इसी को हम सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। सीधा सीधा डेफिनेशन लिखा गया है कि मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस, मेटल्स को हम सोनोरस कहते हैं क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया? चलते हैं अब हम मेटल्स की तरफ कि एक्चुअल में मेटल्स होते क्या है। तो यार सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं तो द मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ विच आर जनरली हार्ड, लस्चरस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज मेटल्स। दैट मीन्स कि मेटल्स वो चीजें होती हैं, वो पदार्थ होते हैं जो कि हार्ड हो, कड़ा हो, लस्चरस चमकदार हो, मैलिएबल जिसे हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, डक्टाइल जिसको वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की मदद से हम मेटल्स को तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी मटेरियल तार में कन्वर्ट हो जाए, जो भी मटेरियल शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, जो भी मटेरियल बजता हो, सोनोरस हो, और अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो वो मेटल्स कहलाता है। तो मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर दी गई है कि मेटल्स आर हार्ड, लस्चरस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इतनी सारे क्वालिटीज जिसके अंदर हो उन्हीं को हम मेटल्स कहते हैं। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट आवर डेफिनेशन इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? द मटेरियल विच आर नॉट सोनोरस, ऐसे पदार्थ जो बजते नहीं है, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है, द मटेरियल विच आर नॉट सोनोरस, ऐसे मटेरियल जो बजते नहीं है और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। गॉट इट? नाउ मेटलॉइड्स क्या होते हैं? देखो यार, देयर आर थ्री काइंड ऑफ मटेरियल, तीन तरीके के मटेरियल्स होते हैं। एक तो हमारा मेटल होता है, ठीक है, एक हमारा नॉन मेटल होता है, एक हमारा मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, जिसके अंदर नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? जैसे देखो बहुत सारे मेटलॉइड्स होते हैं, बोरॉन, बोरॉन हमारा मेटलॉइड है। आपने सिलिकॉन का नाम सुना होगा, सिलिकॉन भी हमारा क्या है? मेटलॉइड्स है। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? मैंने आपको ऊपर बताया कि जो बजते नहीं है भाई, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, वो क्या होते हैं? वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स क्या क्या हो गए नॉन मेटल्स के? जितने गैसेस हो गए सब नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका नियॉन हो गया, ये सारी चीजें आपकी नॉन मेटल्स होती हैं। और मेटलॉइड्स के एग्जांपल क्या है? मेटलॉइड्स के एग्जांपल बोरॉन हो गया और सिलिकॉन हो गया, ये सारी चीजें क्या है? मेटलॉइड्स का है। मतलब इनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। चलो कंडक्टर्स, कंडक्टर्स किसे कहते हैं? अब देखो भाई, कंडक्टर का मतलब ही क्या होता है? कंडक्ट करना, मतलब मिलान करना, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ, अ कंडक्टर इज अ मटेरियल, कंडक्टर एक ऐसी चीज होती है दैट अलाउज इलेक्ट्रिक चार्ज टू मूव, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करवा दे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा में करंट आता है, क्या है? कंडक्टर है। कॉपर, कॉपर के तार होते हैं, कॉपर के तार में भी क्या होता है? करंट आती है, तो वो क्या है? कंडक्टर हो गया हमारा। तो कंडक्टर समझ गए, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हो उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एक को हटाकर दूसरा कोई उसका प्लेस ले ले, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो वही यहां पर बताया गया है कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो शुरुआत से हम सीरीज ऑफ इवेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रही है देखते चलते हैं कि जब मोर रिएक्टिव मेटल, कोई ऐसा मेटल है जो ज्यादा रिएक्ट करता है, जो ज्यादा तेज से रिएक्ट करता है, अगर हम उसे साल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, किसके साल्ट सॉल्यूशन में? किसी लेस रिएक्टिव मटेरियल के, किसी लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में अगर हम
ज्यादा रिएक्ट करने वाले मेटल को डालते हैं तो क्या होता है, देन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। यहां पर कहा गया है अगर कोई ज्यादा रिएक्ट करने वाली मेटल किसी कम रिएक्ट करने वाली मेटल के साल्ट सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये क्या करता है, ये इसके सॉल्यूशन को, इसके सल्फेट सॉल्यूशन को, साल्ट सॉल्यूशन को रिप्लेस कर देता है और अपनी जगह ले लेता है। दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमारा एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये है, जिंक रिप्लेस करता है, किसे रिप्लेस करता है, आयरन। अगर हम जिंक और आयरन में रिएक्शन करवाएं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कैसे, जिंक जो होता है वो आयरन के आयंस को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों, क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है और आयरन क्या है, कम रिएक्टिव है। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। हमारा क्वेश्चन नंबर वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 5,000 रुपए के लिए, केबीसी जैसा है, ठीक है। कुछ तो यहां पर लिखा क्या गया है कि देखो इसमें से चार चीजें दी गई हैं, चारों में से कौन सी ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसा मेटल्स है जिसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि केवल हम मेटल्स को ही शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी चीजें पदार्थ, जो भी धातु होते हैं, केवल हम धातुओं को ही, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, इन सारी चीजों को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो जैसे क्या है, फास्फोरस नॉन मेटल है, तो भाई सबसे पहले तो ये कट गया। सल्फर नॉन मेटल है तो ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो ये भी नहीं होगा। केवल एक ही चीज मेटल है, वो क्या है, वो है जिंक। तो जिंक हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये चार स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है, आपको बताना इन चारों में से कौन सा कथन सही है। पहला वाला क्या है, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। क्या हम सभी मेटल्स को तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, तो सभी मेटल्स को हम तारों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, क्या सारे नॉन मेटल्स को हम डक्टाइल, मतलब उनको हम तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं भाई, नॉन मेटल है तब तो वो डक्टाइल और मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा। तो दो जहां पर नॉन मेटल लिखा है, जैसे डी वाला और बी वाला, ये दोनों तो पहले ही कट गए। हम अपन को चूज कहां से करना है, ए में से और सी में से। तो ए में लिखा है कि क्या सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं, गलत है। बचा क्या, सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? चल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है आपका, पहला ही क्वेश्चन है, फास्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। फास्फोरस, फास्फोरस किसमें यूज होता है, माचिस की तीली में। आप जैसे ही माचिस की तीली को ऐसे रब करते हो आग लग जाती है कि नहीं, इसको कहते हैं कि रिएक्टिव हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, फास्फोरस क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि जो फास्फोरस है वो नॉन मेटल है, ठीक। आगे चलते हैं, मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आप ही बताओ, मेटल्स डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं, बस इतना बताओ, गुड कंडक्टर होते हैं कि बैड कंडक्टर? जी हाँ, गुड कंडक्टर होते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलो सी, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है? तो भाई मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। आगे चलते हैं, और आयरन और कॉपर दोनों से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, समझ में आ रहा है। चलो डी, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। समझ में आया, आपको आगे पता चलेगा, आपको एग्जांपल मैं दूंगा, अच्छे से बताऊंगा कि कैसे मेटल्स और एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, बताऊंगा। लेकिन अभी यहां पर आप फिल इन द ब्लैंक्स में कर लो कि जब मेटल्स और एसिड रिएक्ट करते हैं तो कौन सा गैस आता है, हाइड्रोजन गैस आता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स। अगर आपका जो नीचे दिया गया कथन है वो सही है तो उसके सामने टिक या ट्रू लिख दीजिए, अगर गलत है तो उसके सामने एफ या फॉल्स क्रॉस का साइन लगा दीजिए, ठीक है। जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं? नहीं होता ये। जैसे कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होता है? नहीं होता। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे,
क्रॉस की साइन लगाएंगे अपन यहां पर, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। ठीक है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है क्या? अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं यार, सोडियम क्या है ना, जैसे ही वो हवा के कॉन्टेक्ट में आता है जल जाता है, तो इससे हमें पता चलता है सोडियम काफी रिएक्टिव है, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, टी, इट इज ट्रू। आप सबको पता होगा यार, सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आमतौर पे आता है कि जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आएगा तो जल जाएगा, तो उसको कहां रखा जाए जिसमें, जिसकी वजह से उसमें आग ना लगे, तो उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। समझ में आया? चलो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। क्या कॉपर जिंक को रिप्लेस कर सकता है? मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, क्रॉस है, ये क्या है, ये गलत है, फॉल्स है। समझ में आया? चलो ना फोर्थ, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या हम कोयले को तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कर सकते हो, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, फॉल्स होगा। दैट मीन्स केवल हमारा बी वाला ट्रू है, बाकी सारी चीजें हमारी क्या है, फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, अब यहां पर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। सम मटेरियल्स सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं एक तरफ, जैसे लिखा गया है कि अपीयरेंस बाहरी दिखावा कैसा होता है, मेटल्स का कैसा होता है, नॉन मेटल्स का कैसा होता है, हार्डनेस सख्त कौन होता है इसमें, मेटल होता है कि नॉन मेटल, तो ऐसे ही आपको बताना है। ठीक है, चलो जैसे मैं आपको बताता हूं इसका आंसर। चलो सबसे पहले है अपीयरेंस, मेटल का अपीयरेंस कैसा होता है, लस्टरस चमकदार होता है। नॉन मेटल्स का अपीयरेंस कैसा होता है, दैट इज नॉट लस्टरस, दैट मीन्स कह सकते हो आप डल होता है, तो एक में लिखेंगे लस्टरस, एक में लिखेंगे डल। ठीक है, हार्डनेस, मेटल्स हार्ड होते हैं, यस आप लिखोगे, नॉन मेटल्स क्या हार्ड होते हैं, नो। ठीक है, नाउ मैलियबिलिटी, मैलियबिलिटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केवल मेटल की प्रॉपर्टी है, मैलियबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की नहीं है, तो क्या लिखेंगे, मेटल्स में हम लिखेंगे यस, नॉन मेटल्स में लिखेंगे नो। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या हम तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को, हाँ यस लिखेंगे। क्या हम नॉन मेटल्स को तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो नो लिखेंगे। हीट कंडक्शन, मेटल्स क्या हीट कंडक्ट करता है, यस, नॉन मेटल्स हीट कंडक्ट करता है, नो। ठीक है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी किसमें आती है, करंट किसमें उतरता है, मेटल, जैसे आयरन लोहे में करंट उतरता है ना, तो मेटल्स में, मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो हम पहले वाले में यस लिखेंगे मेटल्स में, नॉन मेटल्स में लिखेंगे नो। ठीक है, समझ में आया ना, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, आपको रीजन बताने हैं, यहां पर कुछ क्वेश्चन हैं, उसके रीजन बताने हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो यार, एक्सप्लेन करना मेरा काम है, आप स्क्रीन शॉट लेके अगर रट्टा मारना चाहो भाई तो कर लो, उसके लिए नहीं है मेरा चैनल, आपको कॉन्सेप्ट बताने का, आपको एक्सप्लेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। जो एल्यूमिनियम का फॉइल होता है उसको खाने की चीजों में प्रयोग क्यों किया जाता है, जैसे मतलब आप कह सकते हो बर्गर खाते हो, बर्गर में आपने कभी कभी देखा होगा एक चमकदार सी पन्नी लगाई रहती है, जिसको हम एल्यूमिनियम की फॉइल कहते हैं, वो क्यों यूज होता है, तो भाई तीन कारणों की वजह से वो यूज होता है। सबसे पहला कारण क्या है कि जो एल्यूमिनियम है वो मैलिएबल है, मतलब हम उसे शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, एल्यूमिनियम सॉफ्ट होता है। तीसरी चीज, एल्यूमिनियम खाने को खराब नहीं करता है। तो इन तीन रीजन की वजह से हम एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम फॉइल को हम खाने के साथ यूज करते हैं, दैट मीन्स कि खाने की चीजों को ढकने के लिए, खाने की चीजों को पैक करने के लिए यूज करते हैं। चलो बी, इमर्जन रॉड्स, जो आपकी ऐसे कह सकते हो कि जो पानी गर्म करने वाली जो आपकी रॉड होती है ना, आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस, वो हमेशा मेटल्स की ही क्यों बनाई जाती है, आपने देखा होगा या तो सिल्वर का होता है या तो आयरन का होता है रॉड। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो रीजन इसका ये है कि भाई जो इमर्जन रॉड्स होते हैं,
ठीक है, वो लिक्विड पानी को गर्म करने के लिए यूज होते हैं, और हीट का कंडक्टर कौन होता है, मेटल ही तो होता है ना, इसीलिए मेटालिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, किस चीज में, पानी गर्म करने वाली रॉड में, जिसे हम इमर्जन रॉड कहते हैं, समझ में आया। नाउ तीसरा क्वेश्चन, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्यों, पहले ही मैंने आपको ट्रू फॉल्स में बता दिया है इसको, कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा, अगर ज्यादा रिएक्टिव होता कॉपर तब कर देता, समझ गए, रीजन लिखा गया है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिंक से कम रिएक्टिव होता है कॉपर, इसी के लिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नाउ चौथा क्वेश्चन क्या है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, एक सिंपल सा आंसर, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसके लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्युमिनियम यूटेंसिल, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन, जस्ता के बर्तन में रख सकते हैं, एक्सप्लेन करिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा सा सिंपल सा आंसर है, जो लेमन पिकल होता है, जो आपका नींबू का अचार है, नींबू एसिटिक एसिड कंटेन करता है, आपको पता है एसिड है, अब अगर हम लेमन के पिकल को एल्युमिनियम जो कि मेटल है उसमें स्टोर करेंगे तो दोनों रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, जिससे क्या होगा, जो लेमन का पिकल है आपका वो खराब हो जाएगा, जो कि यूज करने लायक नहीं बचेगा, समझ गए। नाउ आगे चलते हैं, 8, मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी, आपको कुछ चीजें दी गई हैं इस वाले कॉलम में कुछ चीजें दी गई हैं, आपको इस वाले कॉलम से मैच करना है, तो जैसे पहला गोल्ड, सोने का यूज कहां होता है, मैंने सीधा आंसर लिख दिया है, ज्वेलरी गहने बनवाने में होता है। आयरन, लोहे का यूज क्या कहां होता है, मशीनरी मशीन पार्ट्स बनाने में, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि ये मेरा बोया एम1 माइक है, ये देख रहे हो ये आयरन का बना हुआ है, ठीक है, तो ये मशीनरी ही तो है ना। चलो ना थर्ड, एल्युमिनियम का यूज कहां होता है, मैंने बताया अभी आपको कि एल्युमिनियम फॉइल का यूज बर्गर रोल वेज पराठा और आपका एग रोल इन सारी चीजों में यूज होता है ना, तो हम एल्युमिनियम को खाना कवर करने में, खाना को रैप करने में यूज करते हैं। कार्बन का यूज कहां पे होता है, आप जानते हो कोल में ज्यादातर जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है कार्बन, कोल का जो ज्यादातर हिस्सा होता है वो कार्बन कंटेन करता है, और कोल का यूज कहां होता है भाई, जानते हो कोल फ्यूल के तरीके से यूज होता है, तो सिंपली हम लिख देंगे कार्बन का फ्यूल। कॉपर, कॉपर का यूज किस लिए होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स जो हमारे घर में बिजली के तार होते हैं ना, अब कॉपर के बनने लगे हैं, आयरन के जो होते थे वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, लेकिन जो अब कॉपर के बन रहे हैं वो उतने ज्यादा वाट के नहीं होते, इसलिए अब कॉपर का यूज होता है, समझ गए। नाउ मरकरी का यूज कहां पे होता है, अब भाई आपने देखा होगा थर्मोमीटर मशीन देखिए जो मुंह में लगाया जाता है, बुखार उखार चेक करते हैं, तो उसका जो चीज जो पॉइंट होता है जो भागता है जो बताता है टेम्परेचर की, कितना टेम्परेचर है आपके, 80 डिग्री सेल्सियस की बुखार है कितने की है, ठीक है, तो ये होता है, तो वो जो पॉइंट होता है वो किस चीज का बना होता है, वो हमारा मरकरी का बना होता है, तो हम मरकरी को कहां यूज करते हैं, थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं। नाउ लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, अगर हम हल्के सल्फ्यूरिक एसिड को, गाढ़े सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जो बहुत तेज हो, डाइल्यूट का मतलब जो हल्का हो, अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किसी कॉपर प्लेट में रखते हैं तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो डाइल्यूट है, तो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉपर प्लेट में रखेंगे, द मेटल डज नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जो ये मेटल है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, समझ में आया। चलो आमतौर पर हमने क्या देखा है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो एसिड से रिएक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर वो एसिड्स डाइल्यूट हैं तब रिएक्ट नहीं करेगा, अगर वो उनका कंसंट्रेशन हल्का है तब रिएक्ट नहीं करेगा। नाउ बी वाला क्वेश्चन, क्या होगा अगर आयरन के कील को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दें, तो क्या होगा अगर हम आयरन की कील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा, यहां पर सीधा सीधा लिखा है, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, मेटैलिक आयरन, जो आयरन की जो कील होती है वो फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाती है,
समझो, जो जो आयरन की कील होती है जैसे ही वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाती है तो सबसे पहले क्या होती है, वो फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाती है और उसी में डिसॉल्व हो जाती है, उसी में एक सॉल्यूशन बन जाता है, समझ गए। और जो क्यूप्रिक आयन जो उसमें पहले से ही मौजूद है वो एक मेटैलिक कॉपर बन के निकल जाता है। दैट मीन्स गया क्या लोहा, आया क्या कॉपर, समझ गए। चलो नाउ इसका वर्ड इक्वेशन हमें बताना है कि राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, इसमें जो रिएक्शन हुआ है उसका वर्ड इक्वेशन बताओ हमें। वर्ड इक्वेशन आप जानते हो, रिएक्शन को हम अगर वर्ड्स में डिफाइन कर दें उसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, आयरन जो है डिस्प्लेसेस कॉपर, सबसे पहले वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है कहां पर, सॉल्ट सॉल्यूशन में। द आयरन डिसॉल्व्स, जिससे क्या होता है जो आयरन की कील होती है वो सॉल्यूशन, दैट मींस कि एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो उसमें से पहले से ही क्यूप्रिक आयन मौजूद है वो मेटेलिक कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि रेडिश कलर का होता है, समझ में आया। नाउ आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल, सलोनी ने एक जलता हुआ चारकोल लिया। चारकोल मतलब समझ रहे हो कि नहीं आप, जैसे आप कह सकते हो चारकोल हम लगाते हैं भी है, जैसे कोल होता है ना कोल, उसी का एक टाइप कह लो चारकोल होता है। अगर यहां पर सलोनी ने क्या किया है, जो जलता हुआ चारकोल है उसके गैस को एक टेस्ट ट्यूब में स्टोर कर लिया है। अब वो इस गैस का नेचर जानना चाहती है कि ये जो गैस रिलीज हुआ है वो एसिड है कि बेस है, तो उसे क्या करना होगा। तो भाई उसे टेस्ट ट्यूब में, जिस टेस्ट ट्यूब में उसने चारकोल के गैस को स्टोर किया है उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, तभी जाकर नेचर ऑफ गैस हमें पता चलेगा, समझ में आया। नाउ बी वाला क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। अब सबसे पहले दो रिएक्शन हुए हैं यहां पर, क्या हुआ है, बर्निंग चारकोल, ठीक है चारकोल जला है, फिर जो चारकोल का धुआं है उसमें पानी ऐड किया गया है, तो इन दोनों रिएक्शन को लिखिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने लिखा है बर्निंग ऑफ चारकोल का रिएक्शन क्या होता है। अब देखो चारकोल जो होता है वो कार्बन अपने अंदर कंटेन करता है, कोल जैसा ही होता है, कोयला जैसा होता है, ठीक है कार्बन अपने अंदर कंटेन करता है। अब जब ये चारकोल ऑक्सीजन के रिएक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, समझ में आया। नाउ दूसरा रिएक्शन, जब हम उस धुएं में पानी डाल देंगे तब कौन सा रिएक्शन होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो जो गैस है जो टेस्ट ट्यूब में स्टोर है उसमें जब हम पानी मिलाएंगे तो कार्बोनिक एसिड निकलेगा, समझ में आया। चलो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप, ज्वेलर्स शॉप। एक दिन रीता नाम की एक लड़की किसी गहने की दुकान पर गई अपनी माँ के साथ। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उसकी माँ ने पुरानी सोने की चैन होगी, अंगूठी होगी, कोई जेवर उस सुनार को दिए कि वो इसको क्या कर दे, नया कर दे, क्योंकि ये पुराना हो गया था और डल हो गया था, उतना चमकदार नहीं रह गया था। नेक्स्ट डे, अगले दिन जब वो गहना वापस उसकी माँ के पास आया तो उस गहने का वजन कुछ कम था, ऐसा क्यों होता है। चलो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि एक्वारेजिया एक सोल्यूशन होता है। किस चीज का सोल्यूशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को जब मिलाते हैं तो वो एक एक्वारेजिया नाम का पदार्थ प्रोड्यूस करता है। तो जो सुनार होते हैं वो पुरानी गहने को एक्वारेजिया में डुबोते हैं, जिससे क्या होता है जो ऊपर का जितनी भी परत होती है उस गहने की जो पुरानी ओल्ड हो चुकी है वो रिमूव हो जाती है और एक नया चमकदार सोना निकल जाता है, जिससे जो ऊपर का कवर हटा है उसका कुछ तो वजन कम होगा ना, तो इसी की वजह से पॉलिश कराने के बाद गहनों का जो वजन होता है वो कम हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और कीवर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा यार तो आप लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को शेयर करो, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट आपके लिए हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।